गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग जल की उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना भोजन के हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, परंतु बिना पानी पिए हमारा जिंदा रहना संभव नहीं होता है। हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग जल का ही बना होता है। इसलिए जल हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है अथवा रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, वे सभी क्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं किसी न किसी तरल माध्यम के द्वारा होती हैं, और इस तरल माध्यम यानी लिक्विड फॉर्म का मुख्य भाग जल होता है। इसलिए हमारे शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होनी आवश्यक होती है। प्रत्येक स्वस्थ एवं सामान्य व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर शुद्ध जल अवश्य पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने आहार में तरल भोज्य पदार्थों जैसे फलों का रस, सूप, छाछ, शरबत इत्यादि का भी व्यवहार नियमित रूप से करना चाहिए। बच्चों, जल का उपयोग बहुत तरीके से होता है। इसमें सबसे पहला उपयोग है हमारे शरीर में, अर्थात जल की शरीर क्रियात्मक उपयोगिता या जल का हमारे शरीर में उपयोग, यूजेस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना जल के हमारा जिंदा रहना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी ऐसी शारीरिक क्रियाएं हैं जिसके लिए हमारे शरीर में पर्याप्त जल का होना आवश्यक है। वे क्रियाएं इस प्रकार से हैं। इसमें सबसे पहला उपयोग जो जल का हमारे शरीर में है वह है, यह हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित या संतुलित रखता है। दूसरा, शरीर के आंतरिक साफ सफाई, मलमूत्र, पसीना और शरीर के विषैले पदार्थों का उत्सर्जन करने में मदद करना भी शरीर जल का प्रमुख कार्य होता है। अर्थात जल हमारे शरीर के अंदर की साफ सफाई में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह
शरीर के विषैले रासायनिक पदार्थों को पसीने के रूप में, मलमूत्र के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है। यदि हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो ये विषैले रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर रह जाते हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। शरीर जल हमारे शरीर के निर्माण में भी मदद करता है। यह रक्त कोशिकाओं तथा हमारे शरीर के अस्थियों में भी पाया जाता है। हमारे शरीर में वैसे स्थान जहां जोर हैं, उन स्थानों पर हड्डियों के बीच तरल पदार्थ बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि इन जोड़ों में तरल पदार्थ की कमी हो जाएगी तो उससे हमारे शरीर के गतिविधि में मुश्किल पैदा हो सकती है। जल हमारे भोजन के पाचन में भी सहायता पहुंचाता है। हमारे शरीर के अंदर जो पाचक रस हैं, वह तरल रूप में पाए जाते हैं और इसमें भी जल की मात्रा होती है, जो हमारे भोजन को मुंह से ग्रासनली और शरीर के विभिन्न पाचक अंगों में आसानी से पहुंचाने में एवं उसके पाचन में मदद करता है। इतना ही नहीं, हमारे शरीर में उपस्थित जल दुर्घटना में चोट लगने पर, झटका खाने पर या रगड़ जाने पर हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात जल की उपलब्धता के कारण या उपस्थिति के कारण इन अंगों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचती है। ये तो जल का हमारे शरीर में उपयोग था। इसके बाद जल का घरेलू कार्यों में उपयोग। बच्चों, जल का सिर्फ नाक हमारे शरीर में ही महत्वपूर्ण स्थान होता है,